सर मेरे एक नॉन है, उनके बच्चे की आईज रेड हुई थी, जिनका भी 7 डेज तक उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद डॉक्टर ने तो कहा कि ठीक है, लेकिन उनकी रेडनेस काफ़ी ज़्यादा हुई पड़ी है। स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल के टीचर्स जो हैं उनको वापस कर दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं इन्फेक्शन है। इस पर आप कुछ क्या उनको मेडिकल बना के दे सकते हैं, आपकी कुछ राय है आप बताएं उनको प्लीज़। वायरल कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू जो आजकल बहुत फैला हुआ है, इसके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से या तो लोग ओवर प्रिकॉशंस ले लेते हैं और या कम प्रिकॉशंस करते हैं। इसमें एक इश्यू ये भी है कि जब किसी को आई फ्लू का ट्रीटमेंट कराते हुए 5-7 दिन हो जाते हैं तो आमतौर पे वो पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव हो जाते हैं, हालांकि उनकी आंखों में दो वजह से लाली बनी रह सकती है। एक कारण तो होता है कि आई फ्लू में कुछ पेशेंट्स में हेमरेज हो जाती है, तो वो सब कंजक्टिवल हेमरेज की तरह आंखों में अगले कई हफ्तों तक लाली के रूप में दिखाई देती रहेगी, हालांकि वो किसी दूसरे इंसान के लिए डेंजरस नहीं है। इसके अलावा आई फ्लू जब ठीक होता है तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। अगेन ये भी इन्फेक्टिव नहीं है और दूसरों के लिए खतरनाक नहीं है। तो सभी स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जहां आई फ्लू का बहुत ज्यादा हवा फैला हुआ है और वो जब तक किसी की आंख में लाली देखते हैं उन्हें ना तो स्कूल में अलाउ करते हैं और ना ही ऑफिस या काम की जगह पे अलाउ करते हैं, तो उन लोगों के लिए सजेशन है कि यदि जिस डॉक्टर ने आई फ्लू का ट्रीटमेंट किया है और उनका असेसमेंट है कि अब ये इन्फेक्टिव स्टेज ठीक हो चुकी है, तो फिर फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद स्कूल या ऑर्गेनाइजेशंस को अपने यहाँ आने वाले एम्प्लॉइज या स्टूडेंट्स को मना नहीं करना चाहिए और उन्हें स्कूल में भी पढ़ने देना चाहिए और ड्यूटी भी ज्वाइन कर देना चाहिए। आई फ्लू के बारे में एक ये सलाह जरूर सबके लिए रहती है कि यदि आई फ्लू के दौरान या उसके बाद के दिनों में आप अपने आप को खाली रखेंगे तो आपको इसकी परेशानी ज्यादा महसूस होगी, और यदि आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको उसके सिम्टम्स ज्यादा महसूस नहीं होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक।